कोरोना संक्रमण को रोकने से जनपद अलीगढ़ में कोविड 19 के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अन्य जगहों से आए लोग संक्रमित पाए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच में 16 नए मरीज संक्रमित पाए गए हैं। सीएमओ ने बताया है कि 6,55,930 टेस्ट कराए जा चुके हैं। मरीजों की संख्या 129 पहुंच गई है। केस बढ़ने के साथ ही सैंपलिंग भी तेज कर दी गई है। 3,944 लोगों की सैंपलिंग की गई है, लेकिन अब तक 6,75,000 से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है। जिले में अब तक 11,690 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें 11,520 स्वस्थ हो चुके हैं, 56 की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि केस ना बढ़ें इसके लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पर भी टेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास वैक्सीन है, जो अब तक 1,05,000 लोगों को दी जा चुकी है। अप्रैल माह में लगभग 2,00,000 वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। इतवार को छोड़कर सभी दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे पास 113 एक्टिव केस है कोविड पॉजिटिव के, और जैसे जैसे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी सैम्पलिंग भी काफ़ी तेज़ कर रखी है। कल हम लोगों ने 3,944 सैम्पलिंग कराई है और अभी तक हम लोग 6,75,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग करा चुके हैं, और अभी तक हमारे पास 11,690 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 11,520 की छुट्टी हो चुकी है। रिकवरी रेट हमारा ठीक ठाक है और डेथ हमारी अभी तक 56 है। जो भारत सरकार ने वैक्सीन का जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत अच्छा है। अब वर्तमान में तो 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको लगानी चाहिए। मैंने भी लगवाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। ये वैक्सीन मैंने लगवाई है, ये सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगी है और मुझे अभी तक कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा कि अभी हमें इससे जंग लड़ने के लिए, कोरोना से जंग लड़ने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है। अपने वो कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, कोरोना को हराने के लिए हम लोगों को इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारी सुरक्षा है और सब लोगों को इसी से सुरक्षा मिलेगी। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं हुई और निशुल्क सेवा है। सब लोगों को यही विनती करती हूँ, कहती हूँ कि इस रोग को भगाना है तो आप सब इस में भाग लें और इस बीमारी को हटाएं। मेरे जब से वैक्सीन लगी है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है किसी भी तरह की, और मैं भी सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से निःशुल्क जो वैक्सीन लग रही है उसी को सभी लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना भगाएं।